बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब घर से निकलना भी बहुत मुश्किल हो रही है। और हम लोग तो हॉस्टल पे रहते हैं, बाहर निकलना भी हम लोग से ज़्यादा मुश्किल होती है। और यहाँ पे मतलब बहुत धूप है और गर्मी की वजह से बहुत मतलब टेम्परेचर यहाँ पे बहुत बढ़ गया है भुवनेश्वर पे, इसी कारण हम बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। और अगर हम बाहर भी जाते हैं तो साथ में कुछ वाटर बॉटल और ये अम्ब्रेला ये सब लेके जाते हैं। पानी बहुत सारा पी रहे हैं और बाकी धूप को देख के निकल नहीं रहे, 4-5 बजे बाहर निकल रहे। अभी जब काम का जरूरत काम है तो निकलना तो पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग पानी लाते हैं, कपड़ा ला के माथा में डालते हैं। देख के वो धूप कहीं पेड़ पेड़ के पास अगर ज़्यादा खराब लगता है तबीयत तो पेड़ के पास खड़ा हो जाता है। क्या क्या फैसिलिटीज है भुवनेश्वर में, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है? ड्रिंकिंग वाटर तो है मगर सब जगह में नहीं है। आई हैव बीन स्टेइंग हियर सिंस 1970 I have been staying from 1970, since 1970. But this year I found there is excess heat. It is not tolerable at all because of this change of atmosphere. There is excess heat. So in Bhubaneswar, it is almost cross 45. So this is the scenario, very pathetic. And we should, the state government, the general public, they all, they should all together, they should take a decision to combat this heat wave. अगर हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा के लिए भी हमने आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है और उसके बाद हमारा अनुमान है कि टेम्परेचर में वहाँ थोड़ी गिरावट आ सकती है और उसके बाद डे 5 मीन 2 दिनों का ब्रेक के बाद फिर वहाँ पे हीट वेव कंडीशन दोबारा से उड़ीसा में आ सकती है। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आने वाले 5 दिनों में हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल करने का अनुमान है और इसके लिए हमने 5 दिन ही ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसका कारण ये है कि वहाँ हीट वेव भी है, उसके साथ जो मिनिमम टेम्परेचर्स हैं मीन रात और सुबह के टेम्परेचर हैं वो भी सामान्य से ज़्यादा हैं, और झारखंड में भी थोड़ा पॉसिबिलिटी है हीट वेव का। और अगर आप साउथ पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, वहाँ ऐसा हीट वेव सिनेरियो तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमारा जो वार्निंग है हॉट एंड ह्यूमिड का है, मीन मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा है, उसके साथ जो ह्यूमिडिटी है वो भी हायर साइड है, नॉर्मल से ज़्यादा है, जिसके कारण लोग वहाँ डिस्कम्फर्ट फील कर सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफिकली केरला, तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए आने वाले 4-5 दिनों के लिए हमने वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड का वार्निंग, जेल अलर्ट में वार्निंग दे रखी है।